हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों को ये फ्लावर व्लॉग बनाना बताऊंगी, जो बनाने में बहुत ईजी है और देखने में भी बहुत प्यारा है। तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर। ये दो तरह का ब्लॉग बनेगा, एक इस तरह का और दूसरा इस तरह का। तो पहले मैं इसको बनाऊंगी। इसके लिए हमको 5x5 का 4 पीस चाहिए और ये जो कॉर्नर पर लगा है ये 1.5 इंच ये कपड़ा चाहिए चारों ओर से, और ये भी 1.5। आप यहाँ येलो या फिर वाइट कुछ भी यहाँ लगा सकते हैं। तो ये फ्लावर बनाने के लिए मैं इस तरह से डिजाइन बनाई हूँ। इस तरह से 4 पीस चाहिए हमको। मैं ये 3 पीस बना चुकी हूँ और ये बता रही हूँ कि किस तरह से ये बनेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 1.5 इंच का जो कपड़ा है इसको हम ड्रॉ करेंगे कॉर्नर टू कॉर्नर, और इस तरह से ये पिंक वाला पर रखूंगी इसको। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह से इस पर रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक। और इसको सिलने के बाद हम ये जो कपड़ा है इसको कट कर देंगे। तो ये खोलने के बाद इस तरह से हमारा पीस दिखेगा। तो इसको भी मैं सिल लेती हूँ इसी तरह से। ये दूसरा कलर का ब्लॉक बनाने के लिए हमको 2 तरह का कपड़ा चाहिए, एक ग्रीन और एक वाइट कलर। ये ग्रीन जो है 2.5 इंच चौड़ा है और 10 इंच लंबा है ये, और ये जो वाइट कलर का है 2 पीस, इसकी विड्थ जो है 4 है और इसकी लेंथ 10 है। तो इसको हम इस तरह से रखेंगे और बीच में इस स्ट्रिप को सिलेंगे दोनों साइड से। तो हमारा इस तरह से पीस बनेगा। तो मैं इसको और इसको सिल लेती हूँ। फ्रेंड्स, जब हमारा सब पीस रेडी हो जाएगा तो हम इस तरह से इसको ज्वाइंट करेंगे। जो हमारा ये येलो कलर का फैब्रिक है वो एक ही जगह पर आना चाहिए बीच में, और कॉर्नर पर सब वाइट कलर का। तो इसको हम सब एक साथ ज्वाइंट करेंगे। तो ज्वाइंट करने के बाद ये हमारा इस तरह से पीस रेडी होगा। और ये जो है इसको भी मैं स्टिच कर ली हूँ, तो ये इस तरह से रेडी हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसको भी मैं पहले सिल लेती हूँ फिर एक साथ जोड़कर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये ब्लॉक बनकर रेडी हो गया है और हम सब ब्लॉक्स को एक साथ इस तरह से ज्वाइन करेंगे। फर्स्ट लाइन में हमारा ये जो ग्रीन कलर का ये स्ट्रिप है इस तरह से जाएगा, सेकेंड लाइन में खड़ा जाएगा, फिर थर्ड लाइन में ये वाला लाइन जाएगा। तो इसी तरह से हम ज्वाइन करते जाएंगे और बड़ा या छोटा जिस तरह से हम चाहें डिज़ाइन बना सकते हैं, बेडशीट बना सकते हैं, चाहे बच्चों का हो, बड़ों का हो, डबल हो, सिंगल हो। तो इसी तरह से हम जोड़ते जाएंगे और बड़ा सा पीस बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।